नंबर 1। दोस्तों, हम सभी घरों में गाय और भैंस से लेकर बकरी तक के दूध का इस्तेमाल तो करते ही आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मार्केट में ऊंट और गधे का दूध भी काफी डिमांड में है। जहां गाय और भैंस का दूध 50 से 60 रुपए पर लीटर के दाम पे मिल जाता है, वहीं अगर बात की जाए ऊंटनी के दूध की तो उसकी कीमत है 3000 रुपए लीटर। लेकिन मार्केट में जो दूध सबसे ज्यादा महंगा बिकता है वो है गधे का, जिसकी कीमत होती है 6000 से 7000 पर लीटर। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस दूध की हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। अब भले ही गधी के नाम से इसके दूध को पीना काफी अटपटा सा लगे, लेकिन इसे पीने से इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यहाँ तक कि यह कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से भी लड़ने के लिए काफी कारगर साबित होता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि गधी का दूध पीने से इंसान जल्दी बुढ़ापे का शिकार नहीं होता। नंबर 2, ये एक प्लांट है, इसका नाम है टच मी नॉट, और इसके ऊपर काफी खूबसूरत और खुशबूदार फूल उगते हैं। लेकिन इसके नाम से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये प्लांट कितना खतरनाक होगा। दरअसल इस प्लांट के ऊपर उग रहे फूलों की खुशबू को सूंघकर कई छोटे बड़े कीड़े उसकी ओर आकर्षित होकर खींचे चले आते हैं, और जैसे ही वो जीव इसके फूलों के रस से अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करते हैं तो इसके ऊपर उगने वाला वो बीज अचानक से किसी बम की तरह ही एक्सप्लोड हो जाता है। ये एक्सप्लोजन इतना जोरदार होता है कि ये उस जीव के भी टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। यही कारण है कि इस प्लांट को टच मी नॉट के नाम दिया गया है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे किसी प्लांट को देखा है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 3, कैस्ट्रेल बर्ड कनाडा और साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला एक कमाल का पक्षी है, जो कि जाना जाता है अपने शिकार करने के अजीबोगरीब तरीके के लिए। शिकार करते समय ये हवा में ही एक ही जगह पर बिना हिले डुले टिके रहने का कमाल का हुनर रखता है। पहले तो ये खुले इलाकों में जाकर हवा में एक ही जगह पर फ्रीज हो जाता है, जिसके बाद ये पूरे ही एरिया को स्कैन कर अपने शिकार का पता लगाता है, जिसके बाद ये बड़ी ही आसानी से अपने शिकार पर झपट कर उसे अपना भोजन बना लेता है। नंबर 4, हाल ही में की गई एक रिसर्च से पता चला है कि 70% से भी ज्यादा लोग सुबह नींद से जागने के बाद फिर से सो जाते हैं, और इसके पीछे का कारण है अपने अधूरे सपने को पूरा करने के लिए। अगर कोई इंसान बहुत अच्छा सपना देख रहा होता है और उसकी अचानक से बीच में नींद खुल जाती है, तो वो उस सपने को पूरा करने के लिए दोबारा से सो जाता है। वैसे क्या आपने कभी ऐसा कुछ किया है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 5, दोस्तों, आपने लोगों द्वारा तस्करी करने के लिए अपनाए गए बहुत से अजीबोगरीब तरीकों के बारे में सुना होगा, लेकिन इस महिला ने तो सारी हदें ही पार कर दी, क्योंकि इसने कोकेन की तस्करी करने के लिए अपनी जान को ही दांव पर लगा दिया। जब हवाई यात्रा करने से पहले इस महिला की जांच की गई तो उन्हें पता चला कि ये महिला काफी भारी मात्रा में कोकीन को कैरी कर रही है, जिसके लिए इस महिला ने अपने ब्रेस्ट इम्प्लांट के अंदर करीब 3 किलो कोकीन छुपा लिया, और इस काम को इस महिला ने इतनी सफाई से अंजाम दिया था कि वो कोकीन से भरे बैग पूरी तरह से उसके शरीर का ही हिस्सा लग रहे थे। इसके बाद वो पकड़े जाने पर कुछ ऐसे नौटंकी करने लगे कि जैसे वो जानते ही नहीं कि ये सब आया कहां से। लेकिन नौटंकी का कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उसे ब्रेस्ट इन्फेक्शन तो हुआ ही, साथ ही उसे 4 साल की सजा भी हुई। नंबर 6, आपने अक्सर लॉक्स के साइड में ये छोटा सा छेद देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इसका क्या मतलब होता है? अगर नहीं जानते तो जान लो, ताले को अगर काफी समय के लिए ऐसे ही लॉक करके छोड़ दिया जाए तो उसमें मॉइस्चर जाने की वजह से ताले में जंग लगने लगती है, जिसकी वजह से वो ताला जाम होने लगता है। ऐसे में उस होल की मदद से उस ताले में तेल डालकर उस लॉक को बड़ी आसानी से खोला जा सकता है। नंबर 7, चींटियों की भी एक खुद की आर्मी होती है, जो कि अपनी कॉलोनी को बचाने के लिए एकजुट होकर लड़ाई के लिए भी जाती है, और इस लड़ाई के दौरान चींटियों की एक टीम नर्स की तरह ही काम भी करती है। वो घायल हुए साथियों को लड़ाई के मैदान में से उठाकर बिलों में ले जाती है, और वहां पर उनके जख्मों को चाटकर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। नंबर 8, दोस्तों, आप सभी के मन में भी कभी न कभी ये ख्याल तो जरूर आया ही होगा कि समुद्र में नमक आखिर आता कहां से है। तो आपको बता दूं कि समुद्र को नमकीन बनाने के लिए 2 कारण मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, जिसमें से पहला है बारिश। जब बारिश होती है तो उसकी बूंदे वायुमंडल में मौजूद CO2 से मिलकर एसिडिक हो जाती है, और जब ये बूंदे पत्थर और जमीन पर गिरती है तो उनमें मौजूद मिनरल्स के साथ रिएक्शन करने लगती है, और नतीजन नमक का निर्माण होने लगता है। इस नमक को नदियों द्वारा करोड़ों सालों से समुद्र के अंदर इकट्ठा किया जा रहा है। और इसके अलावा समुद्र के नमकीन होने का दूसरा बड़ा कारण है इसमें मौजूद वोल्केनोस,
इनमें से भारी मात्रा में ब्लास्ट्स निकलते हैं जो कि समुद्र के पानी से क्रिया करके उसे नमकीन बना देते हैं। नंबर 9, हमारी दुनिया में फ्लावर्स का एक ऐसा प्लांट भी पाया जाता है जो कि नेचुरली पूरी तरह से एक इंसान के स्कल से भी मेल खाता है। और अभी आप अपने स्क्रीन पर ये जो इंसानी खोपड़ियों की जैसी संरचना देख रहे हैं, ये कुछ और नहीं बल्कि वही प्लांट जिसका नाम स्नैपड्रैगन है। देखिए, इन स्कल्स को देखकर ऐसा ही लगता है मानो इंसान की खोपड़ी को लकड़ी में पिरो दिया गया हो। ये हमारी दुनिया का एकमात्र ऐसा प्लांट है जो कि प्राकृतिक रूप से एकदम इंसान की खोपड़ी के रूप में ही ग्रो करता है। नंबर 10, दोस्तों, अगर आप भी अपने मोटापे से परेशान हैं और जिंदगी भर मोटे होने के ताने सुन सुन कर थक चुके हैं तो आपको अपना घर बार छोड़कर इथोपियन ट्राइब्स की तरफ रुख कर लेना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया ही इकलौती ऐसी जगह है जहां पर मोटापे को काफी आकर्षक माना जाता है। और यहाँ की लड़कियों का सपना होता है कि उनकी शादी कबीले के सबसे मोटे आदमी के साथ हो। यहाँ जो इंसान जितना ज्यादा मोटा होता है उसे उतना ही ज्यादा इज्जत और सम्मान दिया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर कुंवारे लड़कों को शादी से पहले 6 महीने के लिए कोई कामकाज और एक्सरसाइज किए बिना समाज से अलग छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर उन्हें दिन में कम से कम 2 लीटर दूध और कई तरह के फल खिलाए जाते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मोटे हो सके। और 6 महीने तक बिना कोई कामकाज किए और खा खा कर ये युवा बहुत मोटे हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें शादी करने का अप्रूवल दे दिया जाता है। नंबर 11, अब इस फैक्ट को थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि हाल ही में हुई इस घटना ने पूरी मेडिकल साइंस को ही काफी ताज्जुब में डाल दिया। तो हुआ यूं कि श्रेया सिद्धाना गौड़ा नाम की इस लड़की ने एक बस एक्सीडेंट के दौरान अपना एक हाथ खो दिया, जिसके बाद डॉक्टर ने हैंड ट्रांसप्लांट के जरिए उसकी राइट हैंड की जगह एक आदमी के हाथ को लगा दिया। शुरुआत में तो उनका हाथ एक आदमी की तरह ही काफी मजबूत और टफ हुआ करता था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनका हाथ किसी लड़की के हाथ की तरह ही काफी सॉफ्ट होने लगा। डॉक्टर्स ने जब उस पर स्टडी की तो उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उनका ये हाथ पूरी तरह से एक लड़की के हाथ में ही तब्दील हो जाएगा। लेकिन ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, इस सवाल का जवाब आज तक किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। नंबर 12, ऊंट एक ऐसा जीव है जो पानी के बिना भी काफी लंबे समय तक जीवित रह सकता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ऊंट सिर्फ एक ही बारी में 113 लीटर के करीब पानी को पीकर स्टोर कर सकता है, जिसके बाद वो समय समय पर उस स्टोर किए गए पानी का इस्तेमाल कर पानी ना मिलने पर अपनी प्यास बुझाने में काम मिलाता है। और उससे भी हैरानी की बात तो यह है कि ऊंट को इतना पानी पीने के लिए सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट का ही समय लगता है। नंबर 13, जब बात चल रही हो ऊंट की तो मन में सबसे पहला ख्याल आता है रेत के बड़े बड़े टीलों से बने रेगिस्तान का। तो आखिर रेगिस्तान में इतनी रेत आती कहां से है? नहीं, ऐसा नहीं है कि यहां पर किसी जमाने में रेत की बारिश हुई थी, बल्कि इसके पीछे का कारण यहां पर तेजी से बदलता मौसम है जो कि एक दिन में हद से ज्यादा गर्म हो जाता है। और वहीं अगर बात की जाए रात की तो ये एकदम विपरीत बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। और सिर्फ 12 घंटे के अंदर तापमान में इतनी तेजी से आने वाले बदलाव के कारण यहाँ पर मौजूद चट्टाने कमजोर होकर टूटने लगती हैं और रेत के छोटे छोटे कणों में बदल जाती है। कई लाख सालों से चलती आ रही इस प्रोसेस के कारण रेगिस्तान रेत के बड़े बड़े टीलों में बदल जाता है। साथ ही बहुत ज्यादा गर्मी और ठंड के चलते इन रेत में से हर तरह के मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। यही कारण है कि रेगिस्तान में कभी पेड़ पौधे नहीं उग पाते। नंबर 14, अब यह हादसा काफी चौंका देने वाला है। बात है 1978 की, जब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से उड़ता हुआ एक प्लेन अचानक से गायब हो जाता है। और उस समय उस प्लेन में मौजूद पायलट के साथ जो आखिरी बातचीत हुई थी, उसमें पायलट द्वारा ये कहा गया था कि ये एक बहुत ही अजीब सा एयरक्राफ्ट उनके प्लेन के एकदम ऊपर से मंडरा रहा है। और 2 सेकंड तक माइक्रोफोन बंद हो जाने के बाद पायलट की दोबारा से आवाज आती है, जरा रुको, ये कोई एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि ये तो कुछ और ही है। बस इतना कहते ही वो एयरप्लेन एकदम से स्पेस से गायब हो जाता है। लेकिन इस घटना के पूरे 3 दिनों के बाद उस प्लेन के सिग्नल दोबारा मिलने लगते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि उस प्लेन के सिग्नल अर्थ से ना मिलकर आउटर स्पेस से मिलते हैं। और आज तक ये कोई नहीं जानता कि आखिर उस दिन प्लेन के साथ क्या हुआ और वो प्लेन आउटर स्पेस में आखिर कैसे पहुंच गया। एंड द लास्ट नंबर 15, दोस्तों, हम सभी की नाक अंदर से तो एक ही होती है, लेकिन फिर इसमें कुदरत द्वारा 2 नॉस्ट्रिल्स को क्यों दिया गया है? तो साइंटिस्ट द्वारा की गई एक रिसर्च से पता चला कि हमारी नाक के दोनों छेद में से एक समय में सिर्फ एक ही छेद अच्छे से काम करता है। जैसे कि मान लो कि आज सांस लेने के लिए आपका राइट वाला नॉस्ट्रिल काम कर रहा है, तो थोड़े समय बाद वो बंद होकर लेफ्ट वाला अपना काम करने लगेगा। और ऐसे में जो छेद अच्छे से काम नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ और सिर्फ तभी रिस्पॉन्ड करता है जब उसे कोई नई स्मेल सुंघाई जाए। और नाक की ये फंक्शनिंग लगभग हर रोज बदलती रहती है। अगर आपको यकीन ना हो तो इसे एक बार खुद से ट्राई करके जरूर देखना। बस यही कारण है कि कुदरत द्वारा हमें 2 नॉस्ट्रिल्स दी जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना ना भूले।